और आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस अब शहर शहर बेरोजगार पंचायत लगाएगी, बेरोजगार महापंचायत करेगी यूथ कांग्रेस। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का यह बड़ा अभियान, सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस करती नजर आएगी। कार्यकर्ताओं को बेरोजगारों को इकट्ठा करने के निर्देश दे दिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। तो शहर शहर जाकर कांग्रेस बेरोजगार महापंचायत का आयोजन करेगी, यूथ कांग्रेस इस कार्यक्रम को करेगी जिसमें मुद्दे उठाएगी बेरोजगारी को लेकर। कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बड़ा प्रोजेक्ट बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके मद्देनजर यूथ कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी है। बता दें आपको, कांग्रेस अब शहर शहर जाकर बेरोजगार पंचायत लगाएगी। इस बात में इस अभियान में जिक्र किया जाएगा उन लोगों का जिनके पास रोजगार नहीं है, उन युवाओं से संवाद किया जाएगा, उन तक कांग्रेस अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगी और सरकार को घेरने की पुरजोर तरीके से कोशिश करती नजर आएगी कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव के पहले। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इस लिहाज से काफी अहम हो जाता है कांग्रेस का यह मिशन 2023, और अब शहर शहर जाकर बेरोजगार पंचायत लगाएगी कांग्रेस, ये तैयारी पूरी कर ली गई है। चलेंगे राजधानी भोपाल, रुक करेंगे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, कैसे समझे इस शहर शहर की बेरोजगार महापंचायत को, कैसे कांग्रेस इसमें काम करेगी, क्या कुछ रणनीति होगी इस प्रोजेक्ट के तहत? देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद दोनों ही दल है 2023 यानी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस जो विचार कर रही है, जो मंथन कर रही है, कांग्रेस इस दिशा में विचार कर रही है कि क्यों ना मध्य प्रदेश में जगह जगह जो है हर शहर शहर में बेरोजगारी की पंचायत लगाई जाए। दरअसल मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बात करें तो कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती आई है कि जो रोजगार है उसके अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और महंगाई भी कांग्रेस मुद्दा बनाए हुए है। तो ऐसे में जो सबसे अधिक युवाओं के बीच पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं दोनों ही दल, कांग्रेस के इसका मानना है कि युवाओं के पास युवाओं के बीच इसके जरिए पहुंचा जा सकेगा, जिसके लिए ये जो पंचायतें जो है लगाने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसमें कितनी कामयाब होगी, कांग्रेस के इस अपील पर जो युवा कितने जुड़ पाएंगे ये देखना जो है दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की मोटे तौर पर तैयारी है, एक मोटा जो प्रारूप जो तैयार किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस इस तरह की पंचायतें लगाई जाएं और किस तरह मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति है, कौन कौन सरकारी नौकरियां उनकी स्थिति क्या है, जो प्राइवेट रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही जा रही है उनकी स्थिति क्या है, इस पूरे जो मामले को आंकड़ों के साथ जनता के बीच और युवाओं के बीच रखने का प्रयास कांग्रेस इन पंचायतों के जरिए करेगी। जी, बहुत शुक्रिया राकेश चतुर्वेदी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो ऐसे में कांग्रेस यहां पर बड़ा मिशन शुरू करने जा रही है, बेरोजगार पंचायत यूथ कांग्रेस लगाएगी, शहर शहर जाकर कार्यक्रम करेंगे।